अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ एचडी और मैं हूं फरा शाहिद। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें, शाहपुर चाकिर से हमारे रिपोर्टर रजब अली डहरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला काउंसिल हॉल सांगढ़ में आबादी के आलमी दिन के मौके पर महकमा बहबूदेबादी और समाजी तंजीम हैंड्स PSI की जानिब से एक प्रोग्राम सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असदुल्ला खोसा ने कहा कि पाकिस्तान में रोजाना 15,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि जैकमाबाद के कंट्रोल के लिए आपको बताते चलें कि शुरू किए गए प्रोजेक्ट अब तक खातिर ख्वाह नतज नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि आबादी पर कंट्रोल के लिए देही इलाकों में मजीद आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। बढ़ती हुई आबादी के बायस हमारे बच्चों में सेहतमंद खुराक, आला तालीम और सेहत के मतलब मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए आबादी पर कंट्रोल बच्चों की बेहतर मुस्तबिल के लिए लाजमी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेहत डॉक्टर आपको बताते चले वश्नो मिल ने कहा है कि नए शादीशुदा जोड़ों में फैमिली प्लानिंग के मुतालिक आगाही फराम करना ज़रूरी है और इस मकसद के लिए महकमा सेहत और महकमा बहबूदेबादी की मुश्तरक कोशिशें कारगर साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि महकमा बहबूदेबादी के ज़िले ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ थईम ने कहा कि पाकिस्तान में हर 1,00,000 हामला खवातीन में से 178 माएँ फौत हो जाती हैं और माजी में तो ये तादाद 276 तक थी। इस पर हुकूमत की बेहतर पॉलिसी और मियारी इकदाम के तहत सहूलियात के बायस औसतन इनमें मजीद कमी आ रही है। हैंड्स सांगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मंसूर जब्बार मेमन ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और महदूद वसाइल के बायस काफ़ी समाजी और मुआशी मसाइल जन्म ले रहे हैं। बाद अज़ा महकमे बहबूदेबादी के नुमाइंदगान में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले अफराद भी शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए। इसके बाद लोगों में आबादी पर कंट्रोल के मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में जिम खाना तक वॉक भी की गई।